बोलिए ना सर, मैं मेरा नाम रिहान खान है, मैं आसाम। जी सर, फिल्म की बात करें जी, इसमें आप लीड रोल में। जी सर, किस तरह की फिल्म है सर? ये थ्रिल एक्शन है, सस्पेंस मूवी है। 1811 की तो सर जो फोटो है वो आपको बता रहे कि एक सस्पेंस थ्रिल है। जैसे कि होर्डिंग सी दिख रहा है, क्या है सब? मोबाइल है, कांप में गन है और काफ़ी अलग क्रिस वाला स्टाइल है। जी सर, क्रिस वाला स्टाइल है, खुद का स्टाइल है सर, आपने बनाया। एक्चुअली क्या है, मोबाइल है इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड होता है और दूसरे में गन है, क्योंकि जो हीरो है वो चाहता नहीं कि गन से वो टेररिस्ट को पकड़ लें, वो चाहे कि मोबाइल के जरिए। और जो हीरो होता है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे आप अगर किसी भी इलाके में रहते हो, कोई लोकेलिटी में, अगर वहाँ पर कोई बॉम्ब या एक्सप्लोसिव रख देता है तो मोबाइल में इंडिकेट आएगा। तो ये मोबाइल लेकर इसलिए चल रहा है कि शायद मोबाइल में वो इंडिकेट हो, इंडिकेट से वो बम को मतलब डिटेक्ट करें। या डिजिट पे है फिल्म का नाम? जी सर, 18.11। जी सर, तो 26/11 ऐसा कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़ा हुआ है एक बार अगर बात करें। अच्छा, जुड़ा हुआ है सर, इसीलिए हम लोगों ने वो टाइटल रखा ताकि उनका जो एडवांटेज हमको मिल जाए अपने पिक्चर को, ताकि लोग देखने आए, उनके साथ कंपेयर करें, क्योंकि अपनी सर पहली पिक्चर है, उतना बड़ी बजट की पिक्चर है नहीं कि उस लेवल पर हम लोग जाकर पब्लिसिटी करें। बजट की बात करें, इसमें कौन कौन है कास्टिंग में? सर, कास्टिंग में है गुलशन ग्रोवर सर, है प्रेम चोपड़ा, मुकेश त्रिवेदी, आसरानी, बस यही सब है मार्केट के लोग। आपका किरदार क्या है पूरी फिल्म में, पूरी स्टोरी अगर एक लाइन में बात करें? जी सर, फिल्म में जो रिहाल खान है वो मेन लीड है और मेरा रियल नेम भी रिहाल खान है। और रिहाल खान होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो यूएस में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनाता है वो, जिसके एक्सपेरिमेंट वो इंडिया में करना चाहता है, वो अपने देश को मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, अपने कंट्री को वो सर्विस देना चाहता है, तो इसीलिए वो इंडिया चला आता है। कहीं ना कहीं ये स्टोरी एक रियल स्टोरी से जुड़ी हुई है, जैसा कि मुंबई में केस हुआ था। जी सर, एक मुस्लिम लड़का था जो ऐसे मास्टरमाइंड था, वो अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं स्टोरी से जुड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो मुझे आपसे मैं सुन रहा हूँ, वो पता नहीं, शायद मेरे डायरेक्टर को लगा या डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि वो स्टोरी कहाँ से लेकर आए। कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ी हुई है फिर, क्योंकि मुस्लिम लड़का ही है जो बीच में नाम आया था कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है। जी सर, क्राइम ब्रांच वालों ने अरेस्ट भी किया था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरा फिल्म की स्टोरी एकदम अलग है सर, और ये सब ये शायद वो कुछ इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ जाके स्टोरी मतलब जुड़ी है मेरे पिक्चर की, लेकिन ऐसा कुछ